Thank you.
पहले जल थल अग्रंकार जल से वैष्णो भगवान वैष्णो के नाव से कमल भयो जल में चतुर्मुखी ब्रह्मा ने आसन लगायो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना रची चार वेद 14 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण तब ब्रह्मा के अंश शक्ति भवानी जय ज्वाला जनक नंदिनी सीता माता तू ही सतयुग में सीता द्वापर में द्रौपदी युग में त्रिजोगिनी कलयुग में माता कालिका पंचमियों भारतीयों एक वर्ष विदंत हुआ दो वर्ष विदंत हुए करते करते 12 वर्ष विदंत हो गए शंकर स्वामी से संत मुखी का संत और रुक्मिणी का नाद जो मांग लिया जब संत मुखी संत और रुक्मिणी नाद जो मांग लिया तो त्रिलोकी नाद शंकर स्वामी की कमर जो टूट गई तो त्रिलोकी नाद ने शंकर स्वामी ने सोचा अगर मैं संत मुखी संत देता हूँ तो 33 करोड़ देवी देवता नमान भूखे प्यासे मरते हैं और सतमुखी संत और रुक्मिणी नाद नहीं देता हूँ तो मेरा वचन खाली जाता है तो त्रिलोकी नाद शंकर स्वामी ने क्या काम किया सतमुखी संत और रुक्मिणी नाद लोहागढ़ में शंकासुरी नेत को जो दे दिया
लियो रणम अवतार जो ले लिया। अब लोहा गढ़वा कौन जाएगा, लोहा गढ़वा जाएगी भद्रकाली, भद्रकाली लोहा गढ़ में पहुंची, लोहा गढ़ में भद्रकाली दे तो का सलाम। भद्रकाली देतों का सम्मान जो करने लेते ही, देतों का संघार करते करते thank you।
फिलहाल टाइम हो चुका है 12:30 और हो चुका है अभी यहाँ इंटरवल, तो इंटरवल के बाद घंटी बजने के बाद अभी कोट कांगड़ा से धर्मा, घाट से लापड़ा पीर बासाई, दुनी से गुरु धर्मदास, राम का नौड़िया परोठी, तेरा मर्दन का ढोल, ताम्र का विदेशार, अब गुरु धर्मदास ने क्या काम करा, ज्ञान के लापड़े से जब गुरु के नौमत बजाई, चावन से चेट, भावन से भयान, अशी से मसार, सोला से गुजरी, अगिन का होया, चिंता समय, एक का घर में, सेता तो बाल लाड़ में, नसी चंडिया, आपका जो कैसे करें, ओ राम बैरागियो शिव सन्यासियो, जब हरिद्वार कनखल में 64 पीर भैरव 78 काले जमा जो हो गए हैं, मेरा प्रभु बाबा महर्जने को राजा, हरिद्वार कनखल में क्या काम हुआ, 12 कोस लंबा 12 कोस चौड़ा धुनी को खुदाई जो कैसी करनी, देवताओं मैया के मुन्ना गुरु गुरुनाथ के चलाओ,
काले जो छे मेरा प्रभु बाबा महर जने को राजा भाई दोस्तों, ऐसे ही ढोल दमू की आवाज में महाभारत की कथा सुनाई जाती है और उसी के माध्यम से ना देवता प्रकट होते और सारे जो भी आते हैं ना देवता, तो देखो साथ में भुट्टे के पेड़ भी लाते हैं और वहां चढ़ाए जाते हैं। सामने आपको देख रहे होंगे मंदिर में जब भैरत राजा चंद्र कौशिक के कुटिया में पहुंचे तो उन्होंने ऋषि चंद कौशिक को, कौशिक ने क्या काम करा, राजा भैरव को एक नींबू दान में दे दिया और कहा इससे तुम्हारा वंश जन्मेगा हे माता सतावंती के पुत्रों, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, जंगल में भिजवा दिए। तभी उस जंगल से एक जरा नाम की राक्षसी जा रही थी, हे माता सतावंती के पुत्रों, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, तो जरा राक्षसी ने क्या काम करा, दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ दिया और वह बालक रोने लग गया और उसने उसे जरा राक्षसी ने राजा भैरव को सौंप दिया। तो राजा भैरव ने उस बालक का नाम जरा सिंधु रख दिया, क्योंकि जरा नाम के राक्षसी से वह उत्पन्न हो रहा था। हे माता सतावंती के पुत्रों, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, तो जरा सिंधु राजा अपने बल पर 86 रामेयों का यज्ञ कर रहे हैं और उन 87,000 ऋषियों पर क्या बीत रहे होगी जो अभी भी जरा सिंधु के कैद में है। अगर हम उनको छुड़वा देंगे और मैं एक स्वयं हूँ, इस तीन लोक में यही तीन है जो जरा सिंधु को ललकार सकते हैं। हे माता सतावंती के पुत्रों, हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, तो बाला अर्जुन और बाला भीमसेन और भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण करा और जरा सिंधु बड़ा दानी राजा था, वो अपने चौपट से किसी को भी बिना दान के नहीं लौटाता था। हे माता सतावंती के पुत्रों,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
वज्र तुम्हारी माता सती हजार कलकाल में भस्म जो हो गई है। राजा दक्ष प्रजापति जी का स्वर्ग फिर से अलर्ट कर उसी गाय को कसाई को देते रहे।